एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं नैना, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है, पवेलियन बंटी ब्लॉग। तो गाइस कैसे हो आप लोग, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो गाइस ये देखिए, अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे, हम लोग सुखना लेके आए हैं गाइस। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरी सिस्टर पानी पी रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मेश हो रहा गाइस, इस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मेश हो रहा है। और अभी हम लोग यहाँ पे हैं, अभी हम लोग रील शूट कर रहे थे गाइस, तो अभी हम लोग रील शूट हो गया हमारा। और अभी सिस्टर जा रही है पानी लेने, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यास लग रहा है, बहुत ज़्यादा वाला। और अभी हम लोग यहाँ पे रील शूट करके पहले वहाँ पे कर रहे थे ऊपर साइड, जहाँ पे पानी वगैरह है, बट तो वहाँ पे बहुत लोग थे, इस वजह से थोड़ा इधर आ गए हम लोग और यहाँ पे रील शूट कर रहे थे। तो जो भाई बहन मेरे इंस्टा आई डी पर नहीं गया है, तो प्लीज़ मेरे इंस्टा आई डी पर जाइए। मेरा इंस्टा आई डी भी आप लोगों को पता है, नैना राजपूत ऑफिशियल 89 मेरा इंस्टा आई डी है। तो प्लीज़ जाइए और मुझे फॉलो कीजिए, इंस्टा में भी बहुत अच्छे अच्छे रील्स आ रहे गाइस, तो जाइए और देखें। और अभी फ़िलहाल अभी सिस्टर का मैं वेट कर रही हूँ, भूख बहुत तेज़ लग रही है गाइस, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, क्योंकि मैं घर से कुछ खा के नहीं आई हूँ। आज सिस्टर को घुमाने लाई थी, क्योंकि सिस्टर बहुत दिन से कह रही थी कि मुझे कहीं घुमाने नहीं लेके जाते हो, मैं घर पे रहती हूँ, अकेले रहती हूँ, बोर होती हूँ। तो मैंने कहा चलो कहीं घुमा लाते हैं, तो सिस्टर को मैं लेके आई, क्योंकि उसकी तबीयत भी ख़राब है। तबीयत मेरी भी बहुत ख़राब है, मेरे सुबह से फीवर है, प्लस फीवर था, तो अभी भी फीवर है, मतलब बॉडी एकदम गर्म सा है, बट उसको लेके आए घुमाने। मैंने कहा अभी घर के पास में ही पड़ता है सुखना लेक, मैंने कहा इधर ही घुमा देती हूँ, ज़्यादा दूर मैं जा नहीं सकती, तो अभी उसको लेके आई हूँ। हो गई है वहाँ पानी लेने, आप देख सकते हो वो दिख रही है आपको, वहाँ एकदम दिख रही है छोटी सी, वो पानी लेने गई है। और मैं लेके आई थी गाइस, ये देखिए चश्मा, ये देख सकते, ये मेरे भैया ने मेरे को गिफ्ट किया था, और बड़े भैया ने गिफ्ट किया था मुझे, तो अभी मैं इसको आज फ़ोटो शूट कर रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था। और थोड़ा अभी लुक में चेंज कर रही हूँ गाइस, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था कि लोग बहुत लोग मुझे कहने लगे थे कैसे ड्रेस में ब्लॉग शूट करते हो, थोड़ा अच्छा ड्रेस पहना करो, ये है वो है व्हाटएवर। तो मैंने थोड़ा लुक ही एकदम चेंज कर दिया, तो मैं थोड़ा अच्छे ड्रेस में, ड्रेस से गाइस मेरे पास हैं काफ़ी सारे, बट क्या था कई बार होता है ना कि आप रील शूट कर रहे हो फिर मैं ब्लॉग शूट करने लगती हूँ। और आज अब तो मैं जो ड्रेस में अपना रील शूट करती हूँ वही मैं ब्लॉग शूट करती हूँ। ये देखिए मेरी सिस्टर आ गई है, बोला हाय। तो ये देखिए गाइस, कमेंट करके बताना मेरी सिस्टर कैसी लग रही है, हम दोनों बहन कैसे लग रहे हैं जरूर बताना। और ये देखिए कितना खुश हो गए थोड़ी यूनिक से लग रही है आज ये, कि हम लोग बहुत देर से मस्ती कर रहे थे यहाँ पे, बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे, और अभी भूख बहुत तेज़ लगा। बिस्किट रखा हुआ है इस पर, उधर वाले पे बिस्किट रखा हुआ है। तो गाइस मेरा एक काम जो है, मतलब मेरी एक आदत है कि मैं जब भी कहीं निकलती हूँ, ट्रैवल करती हूँ, तो मेरे पास बिस्किट रहता है। और ये कह रही मुझे भूख लगा, यहाँ आस पास कुछ दिख नहीं रहा है, तो मैं बिस्किट लेके आई हूँ। और ये है 50-50, ये देखिए गाइस 50-50 बिस्किट, ही माई फेवरेट बिस्किट है गाइस, मुझे बहुत पसंद है, और ये मेरे पास हमेशा रहता है, एक बिस्किट तो रहता ही रहता है मेरे पास, और मुझे बहुत पसंद है बिस्किट। और ये बिस्किट अभी मेरी सिस्टर खाएगी और पानी पिएगी, मुझे भी बहुत प्यास लगेगा गाइस, बहुत ज़्यादा। तो अभी यहाँ पे मैं पानी पीती हूँ, बहुत ज़ोर प्यास लगेगा गाइस, तो अभी मैं पानी पी लूँ। और धूप भी है, आप देख सकते हो धूप भी है। सो गाइस मैं पानी पी चुकी हूँ, और अभी भी बहुत ज़्यादा, देखिए हाथ में पानी लगा हुआ है, पानी की बोतल पकड़ रखी थी, तो पानी पी चुकी हूँ। और आज बहुत भीड़ है, कि आपको पता आज संडे है और बहुत भीड़ है गाइस यहाँ पे, वहाँ पे इतना ज़्यादा भीड़ थी कि यहाँ रील शूट करना मुश्किल हो रहा था, इसी वजह से हम लोग इस तरफ आ गए थे। देखिए तो घर पे कोई भी है गाइस, अगर हम 24 घंटा घर पे रहेंगे तो हमारा भी मन नहीं लगेगा। तो अब ये घूमने के लिए गांव से आई है मेरे पास, अगर मैं इसको कहीं घुमाने ले जाऊंगी तो इससे भी ऐसा होगा कि दोबारा अगर कभी लाना भी होगा तो कहेगी मैं नहीं जाऊंगी। और बहुत
अच्छा लग रहा है गाइस आज यहाँ पे। और मैंने आज ड्रेस न्यू पहना है और देख लेना फ्रंट पेज पे आ जाएगा। और वीडियो वगैरह जो शूट की हूँ वो भी मैं बीच में डाल दूँगी साइलेंट करके, क्योंकि पता है आपको कॉपी क्लाइम आ जाता है काफ़ी बार। तो साइंड जो उसका साउंड होगा जैसे गाना, उसको साइलेंट करके मैं वीडियो डाल दूँगी, आप लोग देख लेना। और अभी यहाँ पे आप लोगों को कैसे दिन दिखाऊँ, यहाँ पे तो आप लोगों ने दिखा होगा, मैं पहले भी यहाँ का ब्लॉग डाल चुकी हूँ, इस वजह से मैं यहाँ आई थी। मैंने वहाँ का तो ब्लॉग मैंने काफ़ी बार ब्लॉग डाला है। और अभी मैं यहाँ पे रील शूट कर रही थी, बट यहाँ पे थोड़ा पत्थर आप देख सकते हो, वो ज़मीन पर भी पत्थर है, तो यहाँ पे हील सैंडल पहनकर मैं नहीं कर पा रही थी, डर भी लग रहा था कहीं गिर ना जाऊँ। तो अभी मैं थोड़ा बैठती हूँ गाइस, कब से खड़ी हूँ, ओह बैठ गई। ये गाइस देखो, मेरी जो ये सिस्टर है ना, इसको बहुत गंदी आदत है कार्टून देखने की, ऐसे बच्चे सास बहू जो सास बहू की कार्टून होती है ना, झगड़े उगड़े होते हैं तो वो वाली कार्टून देखती है, हाँ तो वो सब देखती है, तो इसको बहुत खुशी होती है। बट मैं वो चीज़ें देखती हूँ तो मुझे बहुत बोरिंग फील होता है, बहुत ज़्यादा बोरिंग फील करती हूँ मैं उसको देखकर। और मुझे मेरा एक ही कार्टून है जो मेरा फेवरेट है, वो है गाइस टॉम एंड जेरी, जिसमें वो चूहे बिल्ली वाला होता सीन ना, उसमें मेरे को बहुत अच्छा लगता है। सो गाइस मेरे घर पे मेरे भाई को और मेरे को ये कार्टून बहुत पसंद है, और अब तो टाइम ही नहीं मिलता गाइस देखने का, कई बार जैसे देखती रहती हूँ फ़ोन तो कई बार आ जाता है, कई बार बीच बीच में मैं देखती रहती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। और यहाँ पे देखिए काफ़ी कपल्स वगैरह भी हैं, और मैं बाबू को आज लेके आने वाली थी, आने वाली क्या, हम लोग साथ में ही आ रहे थे, बट हमारे दोनों का झगड़ा हो गया बहुत डेंजरस वाला, तो मैंने अपनी चाबी ले ली एक्टिवा की और मैंने कहा तुम जाओ जहाँ जाना जाओ, क्योंकि गाइस देखो मेरे को एक हफ्ते में एक बार मुझे टाइम मिलता है, ऊपर से मैं बीमार हूँ, मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे चोट लगी है, मेरी सिस्टर आई हुई है, मैं घुमाने ला रही हूँ, तुम पूरा दिन फ़ोन में लगे रहते हो, पूरा दिन फ़ोन में, कभी भाई कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, कभी तो घर वालों को तो टाइम दो, अगर आप किसी को टाइम नहीं दे सकते हो तो क्या फ़ायदा। मैं कह रही हूँ चलो मेरे साथ तो फ़ोन में लगे हैं, गाड़ी चला रहे हो तो फ़ोन में लगे हैं, 24 घंटा फ़ोन में लगे हैं, इतना क्या इंपॉर्टेंट है यार कि हमें आधा एक घंटा भी नहीं दे सकते हो तुम। तो इस वजह से मैंने बोला मुझे दे दो एक्टिवा की चाबी मेरी, मैं और मेरी सिस्टर दोनों घुमाते हैं, तुम मैं जहाँ जाना है जाओ, जिससे बात करनी करो, बस मुझे गुस्सा लगी मैं चली आई। मैं तो बस सीधा यही बोलती हूँ गाइस, अगर आप किसी को टाइम नहीं दे सकते हो तो मत दो, बट इस तरीके से परेशान मत दो करो किसी को। ये देखिए मेरी सिस्टर मेरी सेल्फी ले रही है, आज हम लोगों ने बहुत ज़्यादा सेल्फी लिया, बहुत ज़्यादा सेल्फी लिया बहुत दिन बाद, क्योंकि गाइस टाइम मिलता नहीं है। मैं आज आई थी अपना फ़ोटोशूट करने, बट फ़ोटोशूट नहीं हो पाया। और यहाँ पर देखिए कितने जैसे हरे हरे हैं, यहाँ पर फूल भी होते हैं, बट यहाँ का फूल वूल पता नहीं किसने तोड़ दिया। और गाइस ये इयररिंग्स लिया था मैंने कल, मैंने 3-4 इयररिंग्स लिए थे गाइस, आप लोगों को दिखाया नहीं, कभी इयररिंग्स ब्लॉग बनाऊंगी जिस दिन काफ़ी सारे इयररिंग्स आप लोगों को दिखाऊंगी, तो उस दिन सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मेरे पास गाइस मतलब क्या बोलते येलो वोलो गोल्डन मेरे पास इयररिंग्स थे नहीं, तो मुझे लेना पड़ा और थोड़ा बड़ा लेना पड़ा, क्योंकि मेरे पास ज़्यादातर वन पीस हैं, तो इसके लिए मैंने लिया। और साड़ी वगैरह में डालने के लिए मेरे पास है गोल्डन कलर के, तो मैंने ले लिया था। और ये लिया, और एक मैंने जो सुबह डाला हुआ था पिंक ड्रेस में, आपने देखा होगा मेरे रील्स में, वो जो येलो पिंक डाला वो लिया। और एक और है मतलब दो रखे हैं, एक राउंडिंग शेप है और एक ऐसे ही है लंबा झूलता हुआ, बट वो 4-5 लेयर की है, वो काफ़ी अच्छा लग रहा था, वो किसी भी ड्रेस में डाल सकते थे, मतलब जैसे आप वन पीस पे भी डाल सकते हो, सूट पे भी डाल सकते हो, किसी पे भी डाल सकते हो, मैंने वैसा लिया, ये भी डाल सकते हो, बट ये ज़्यादातर इस ऐसे ड्रेस पे अच्छे लगते हैं। और आज मेरी सिस्टर इयररिंग्स नहीं डाल के आई, भूल गई, और जल्दी बहुत जल्दी थी हम लोगों को निकलने की, क्योंकि हम लोग 3:15 बजे घर से निकले थे, और
हम ये सोच रहे थे कि जल्दी पहुंचेंगे तो कहीं पे हम रील्स वगैरह शूट कर लेंगे, फ़ोटो शूट कर लेंगे, थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, बट नहीं, कोई टाइम ही नहीं दिया। ऐसा मोमेंट जब आता है ना गाइस तो बहुत गुस्सा लगता है, बहुत ज़्यादा, और मुझे आज बहुत गुस्सा लगी है। और मैं बहुत ज़्यादा, एक तो ऐसी मेरी हेल्थ सही नहीं है, ऊपर से सिस्टर की भी हेल्थ सही नहीं है, और तुम्हें खुद बोलना चाहिए कि चलो कहीं घूमने चलते हैं, कभी घुमा लाते हैं। और मैं पूरा दिन जॉब पे रहती हूँ और घुमाने लेके नहीं जाना, ज़्यादा मतलब नहीं रखना, ऐसे लोग मुझे पसंद नहीं है, मैं नहीं पसंद करती ऐसे लोगों को। मैं बोलती रहती हूँ ठीक है, तो मुझे अच्छा लगता है। और मेरे साथ अगर घूमना है मैं घुमा भी सकती हूँ, घुमाने ले जा सकती हूँ। मेरी सिस्टर जैसे मेरे को एक बार बोलती है मुझे घूमने जाना है, तो मैं कैसे भी करके चाहे शाम हो मैं लेके जाऊँगी उसको घुमाने, आधे घंटे के लिए पर घुमाने ले जाऊँगी। मैं किसी का दिल नहीं वो तोड़ती कि नहीं मैं नहीं लेके जाऊँगी, एक इंसान का ईगो नहीं, मेरे में ऐसा ईगो नहीं है कि नहीं मैं नहीं लेके जाऊँगी ये वो व्हाटएवर, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को बोला एक बार तो हाँ मैं टाइम निकालूँगी, अगर आज नहीं है तो पक्का कल निकलूँगी, पर लेके जाऊँगी ज़रूर। और अभी देखिए कपल्स सब घूम रहे हैं और यहाँ पे बाइट बॉल वगैरह खेल रहे हैं। देखिए आपने तो ये जो पीछे हैं वो तो आपने देखा होगा, जो मेरे पीछे दिख रहे हैं आपको वाइट वाइट से। यहाँ का ब्लॉग मैंने गाइस बहुत सारे डाले हुए हैं, बट आज मैं यहीं पे बैठी हूँ, आज मेरा कहीं जाने का मन नहीं हो रहा है, क्योंकि गाइस मेरे पैर में लगी चोट और मेरे पैर में मैंने बहुत ज़्यादा दुख झेल रही हूँ मैं पैरों से, क्योंकि चलने में मुश्किल हो रहा है, इसी वजह से मैं ज़्यादा दूर भी नहीं गई। और गाइस अभी फिलहाल क्योंकि गाइस मैं चलती हूँ, क्योंकि अभी मुझे जाना है घर, घर में जाना है, खाना बनाना है, मुझे काम भी बहुत है। और देखती हूँ सिस्टर को भूख लगी है कुछ, यहाँ पे अगर मिलता है तो खिला देती हूँ, नहीं तो बाहर जाऊँगी। तो गाइस वीडियो में बने रहे, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूले। ओके गाइस, लव यू।